चौकन्ने रहिए। ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानती हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फोन लाइन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौजूदात पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं DC कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दोईफोदे। नाज़रीन, अगर आप DC साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ DC ऑफिस या जो आपके कुछ मसले होंगे उस सिलसिले में बात करना चाहेंगे या आपके कोई सुझाव होंगे तो आपके लिए हमारी दो फोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके TV स्क्रीन के बॉटम पर आपको क्रॉल करते दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद, आपका प्रोग्राम है, यूर वेलकम। थैंक यू, आदाब। डॉक्टर साहब, ये जो कुपवाड़ा है ये एक्चुअली ज़्यादा साल नहीं हो गए इसको डिस्ट्रिक्ट बने हुए, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट हो गया 1979। कितना एरिया है इसका और डेवलपमेंट सिनेरियो का जहां तक ताल्लुक है तो डेवलपमेंट के सिनेरियो में कहां स्टैंड करता है कुपवाड़ा? देखिए, कुपवाड़ा एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन्स होने वाला जिला है। इसका तकरीबन एरिया जो है वो 2600 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया इसका है। और सिर्फ स्क्वायर किलोमीटर के हवाले से नहीं तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरब से पश्चिम और नॉर्दर्न मोस्ट मैं कहूंगा कि एक एक्सपांस वाला जिला है जी। काफी सारे सेक्टर्स जो है वो जिले के हमारे LOC से सटे हुए हैं। 173 किलोमीटर की लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जिले को है। और केरन, मच्छेल, टंगधार जैसे काफी दूर दराज के इलाके और प्लेन्स में हंदवाड़ा, इस प्रकार का एक बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपांस होने वाला और उतनी ही ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी लोगों की तरफ से, कल्चर्स की तरफ से, डाइवर्सिटी की तरफ से, ऐसा एक बहुत ही कल्चरली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा जी। लेकिन डेवलपमेंट के एरिया में वो कहाँ स्टैंड करता है आजकल जहाँ तक डेवलपमेंटल सिनेरियो है इस डिस्ट्रिक्ट का? देखिए, डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये एक अपने आप में बहुत ही विस्तृत डिस्क्रिप्टिव ऐसा सिनेरियो है जी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जिले का हर जो उस पॉपुलेशन क्राइटेरिया में बैठने वाला हर जो है वो विलेज कनेक्ट हो चुका है। अगर आप आज जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हर घर नल देने की परियोजना जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें भी काफी स्ट्राइव्स, 102 स्कीमें हमारे पास हैं जिसमें काफी प्रगति पथ पे काम जो है वो शुरू है। अगर हम बिजली की बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो कई सारे हमारे एरियाज जो है वो पिछले 3 साल तक, 4 साल तक बिजली से महरूम थे, अनकनेक्टेड थे जी। 70 साल की आजादी के बाद में भी वो अनकनेक्टेड रहे, लेकिन पिछले जो है वो तकरीबन 3-4 साल के समय में, चाहे वो हमारी जो समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत कनेक्शंस हो, DDUGY हो और अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, सौभाग्य नाम की स्कीम है बिजली के माध्यम से, तो ये सारे हैबिटेशंस कनेक्ट करवाने का काम जो है इलेक्ट्रिफाई हो गए, इलेक्ट्रिफाई बॉर्डर एरियाज के। ये सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई या नॉर्मल? नहीं, ये ग्रिड से कनेक्ट हुए हैं, ग्रिड से कनेक्ट हुए हैं। चंद जो है मुझे लगता है कि 5-7 विलेजेस हमारे पास बचे होंगे कि जिनको जो है वो हम लोग इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी जो है उनकी बर्फ में वगैरह लूज हो जाती है तो उनको हम लोग रेस्टोर कर देते हैं, बाकी सारे जो है वो ग्रिड कनेक्टेड विलेजेस हैं। तो मुझे लगता है कि काफी पेस जो है वो डेवलपमेंट का बड़ा हुआ है और इतना दूर दराज का और इसका जिला होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एडिशंस बहुत ज्यादा फास्ट तौर पे शुरू है।
डॉक्टर सागर, हमारे जीएमके के सारे अजला में बैक टू विलेज कार्यक्रम होते रहे पिछले कई सालों से। अभी अगर रिसेंटली जो हुआ था कुछ महीने पहले, दैट वाज परहैप्स बैक टू विलेज 4, इससे कुछ लोगों का फायदा हुआ है या इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज? देखिए ऑनरेबल एलजी इंतजामिया की ये जो बैक टू विलेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ मैं कहूंगा, ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव्स में से एक है। अच्छा, उसकी वजह एक है कि इस प्रोग्राम की वजह से एक उत्तरदायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अफसरों की बन गई है उस प्रति गांव के प्रति, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। और सिर्फ उतना ही नहीं, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे वर्दी सीएस साहब ने डायरेक्शंस दी कि जो बैक टू विलेज में जो नोडल ऑफिसर उस गांव में जा रहा है वो सिर्फ उस फंक्शन के टाइम पे या फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम के टाइम पे नहीं जाएगा। करेक्ट, ये पूरे टाइम तक उस गांव का नोडल ऑफिसर रहेगा। जी, ही विल बी द फंक्शनिंग एंड गाइडिंग फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। वो उसी गांव में हर महीने विजिट करेगा, गांव के अलग अलग प्रश्नों को चैनलाइज करेगा, सवालों को चैनलाइज करेगा जी, और उसमें से एक पॉजिटिव आंसर किस प्रकार से मिले जी, और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स को किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसके लिए बैक टू विलेज फोर जो है वो बहुत सारे 1, 2, 3, 4 बहुत कारगर साबित हुए। इतना ही नहीं तो हर एक बैक टू विलेज का एक मकसद रहा है। बैक टू विलेज 1 में हमने एनालिसिस किया किस प्रकार से प्रोग्राम रहेगा, बैक टू विलेज 2 में हमने कुछ फंड्स मुहैया कराए ताकि एक एक काम जो है वो आपका उठ पाए, बैक टू विलेज 3 में भी काफी सारे फंड्स दिए गए, एक्टिविटीज हुई। बैक टू विलेज 4 उस तरीके से इतना लैंडमार्क इसलिए था क्योंकि इसमें सैचुरेशन पे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे फोकस दिया गया। अच्छा, अगर मैं कुपवाड़ा की मिसाल आपको दूंगा तो बैक टू विलेज 4 में तकरीबन 8,500 ऐसे युवकों को, यूथ को हमने आइडेंटिफाई किया जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो दे वॉन्ट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और उसमें से आज कुपवाड़ा की ये बात है कि 8,500 में से तकरीबन 5,500 युवकों को हमने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार के लोन दिलवाए और उनके बिजनेसेस शुरू करने के लिए हमने मदद की जी। किसी युवा को मान लीजिए टेलरिंग का काम करना है, किसी को वेल्डिंग की शॉप खोलनी है, किसी को टूरिज्म रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट खरीदा है, ऐसे हजारों की तादाद में बच्चों ने जो है वो उसमें लोन्स लिए। हमने ये भी इंश्योर किया कि 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी गारंटी, कोई भी कोलेटरल जो है वो बच्चों से नहीं मांगा जाएगा और हजारों की तादाद में उस वजह से जो है वो बैक टू विलेज 4 की वजह से एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड पे मिल पाई। अच्छा, जहां तक लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट का सवाल है तो किसी भी अजला में किसी भी जगह पर हेल्थ और एजुकेशन एक बहुत वाइटल सेक्टर होता है। हेल्थ और एजुकेशन के एरिया में आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ खड़ा है? देखिए एजुकेशन हमेशा से जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की एक प्रायोरिटी रही है और एजुकेशन का स्तर किस प्रकार से इंप्रूव किया जाए, बदला जाए, ये सरकार की प्राथमिकताओं में भी एक पहली प्राथमिकता है। मैं आपको बताता चलूं कि हमने जिला कुपवाड़ा में जिम्मेदारी नाम का एक प्रोग्राम कुछ महीने पहले लॉन्च किया था जिसका पूरा मकसद ही यही था कि हम लोग स्कूल की एजुकेशन में तब्दीली लाए, इंप्रूवमेंट्स लाए। और इस प्रोग्राम के हवाले से हमने हर स्कूल में क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जो है वो कोशिश की, जिसकी बारे में विस्तार से जो है वो चर्चा हम करेंगे। उसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो हमारे एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स माने जाते हैं। तो पिछले ही कुछ 2 सालों में तकरीबन 116 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को रिफाइन करने का और रिफॉर्म करने का काम जो है वो कुपवाड़ा जिले में हुआ, उसके वजह से प्राइम मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड भी जो है कुपवाड़ा जिले को मिला हुआ था जी। उसी के साथ साथ अगर मैं कुपवाड़ा की हेल्थ फैसिलिटीज की बात करूंगा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुंदवाड़ा के लिए अप्रूव पिछले कुछ सालों में हुआ था, तकरीबन 7, 8, 10 साल से जो है उसकी काम जो है वो काफी स्लो प्रगति पर चल रहा था, हाल ही के कुछ तकरीबन 1-1.5 साल में जो है वो उसमें काफी तेज गति पे काम शुरू है। जो हमारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल है हंदवाड़ा का, उसका काम जो है वो पूरा हो चुका है, हजारों की तादाद में जो है वो स्टाफ वहां पे जो है वो डिप्लॉय होने वाला है और उसके साथ साथ जो स्पेशलिटीज हैं, चाहे वो एनेस्थीसिया हो, चाहे वो गायनेक हो, चाहे वो ऑप्थाल्मोलॉजी हो, चाहे वो ईएनटी हो, ये सारी स्पेशलिटीज का आना शुरू हो गया है जी। तो उसकी वजह से स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट भी कुपवाड़ा में जो है मिलना शुरू हो गया जी। एक डेटा जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैं हाल ही का डेटा आपको बताऊंगा कि 70% जो हमारे रेफरल्स थे
कुपवाड़ा से श्रीनगर को आने वो कम वाले हो गए वो कम हो गए। जी आज किसी भी इंसान को छोटी छोटी चीजों के लिए श्रीनगर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आने वाला जीएमसी, ये लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से लैस है। सो आई हैव अ फोन कॉल। हेलो 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 जी हेलो हेलो, अपना तारुफ दीजिए साहब। हेलो, मैं अजहर बोल रहा हूँ कुपवाड़ा से। हाँ अजहर साहब फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा डीसी साहब से कि जो रेलवे है सर, रेलवे बारामूला से कुपवाड़ा तक कब कब तक यहाँ पे सर एक्सटेंड होगी सर? जी मैं अजहर साहब का पहले आपके माध्यम से जो है वो अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फोकस की तरफ हम सबका जो है वो ध्यान आकर्षित ध्यान किया दिया हुआ जी। है। कुपवाड़ा के लोगों की एक मंशा है कि भाई कनेक्टिविटी जो है वो रेलवे की भी कुपवाड़ा को की जाए जो बारामूला रेल है, बारामूला से ऑनवर्ड्स तो इसका विचार जो है वो गवर्नमेंट स्तर पर जो है वो ऑलरेडी विचाराधीन है। इसके जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं और इसका जो भी कन्वे करने की बात है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर दिए गए। मुझे वो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये सरकारी तौर पे जो कंसिडर किया जाएगा और इसको बारंबार जो है वो उस प्लेटफॉर्म्स पे जरूर रेज किया जाएगा। सर, हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, हेल्थ के बारे में आपने इंडिकेटर्स कहे कि हेल्थ के बारे में, हेल्थ के एरिया में, हेल्थ के सेक्टर में कुपवाड़ा में कितनी प्रगति हुई है। लेकिन जहाँ तक ये जो एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन के बाद जब कोई ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो पूरे इंडिया में है, पूरे विश्व में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि यही है। लेकिन आपके इस डिस्ट्रिक्ट में कुपवाड़ा में आप अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं? देखिए, सबसे पहले जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तब हमें हमारे देश में अलग अलग राज्यों के मॉडल्स और फिर दुनिया भर के मॉडल्स को जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है। एक कहीं ना कहीं हमारे जो है वो जहन में सरकारी एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इस पे फोकस जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देश दुनिया की बात करेंगे, अलग अलग मुल्क के हिस्सों की बात करेंगे तो 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में सेक्टर में होता है होता है जी। और उसमें भी जो है वो नौकरियां से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। मैं हार्वर्ड के एक सोशल नेटवर्क, आपने कहीं मूवी देखी होगी तो उसमें ये जिक्र है कि वी वांट पीपल हु विल क्रिएट जॉब्स रेदर देन हु विल अर्न जॉब्स। ट्रू, तो जॉब क्रिएशन जो है वो अपने आप में जो है वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रोग्रेटिव होता है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है वो इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत लैंडमार्क हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आप खुद अपना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेटअप बना सकते हैं और सिर्फ आप अपने आप में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में रोजगार जो है वो पैदा कर सकते हैं। जी कुपवाड़ा में जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 5,500 बच्चों ने जो है वो लोन्स लिए हुए हैं, जी 10 लाख से लेके 15 लाख से लेके 20 लाख तक के, और अलग अलग जो है वो एंटरप्राइज शुरू की हुई है। सिर्फ बच्चों ने ही नहीं तो मैंने कहूंगा महिलाओं ने, तकरीबन हमारे पास कुपवाड़ा जिले में 15,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो है वो काम करती है। नहीं, जिन लोगों ने अपने उद्योग शुरू किए हैं जी, उस उद्योग का हेल्थ स्टेटस क्या है? ठीक चल रहे हैं या कल को कहीं ये ना हो कि बस सिक हो गया? देखिए, जो कोई भी एंटरप्राइज होती है उसका एक बैक एंड एंड और फ्रंट एंड, इन दोनों चीजों को संभालना पड़ता है। जैसे आप उद्योग सेट करते हैं उसी प्रकार से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी फोकस करने की आवश्यकता है। जहां पे सरकार की बात अगर मैं करूंगा कि जहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंड होल्डिंग कर सकती है, तो हमने खुद जो है वो दो, हमारे एक तो रूरल हाट के माध्यम से हो और हैंडलूम शोरूम के माध्यम से जगहें ऐसी मुहैया कर दी कि आप कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग वहां पे करेंगे छोटा सा तो वहां पे डिस्प्ले आपको जरूर मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ब्रांडिंग के मामले में हमें और काम करने की आवश्यकता है। कुपवाड़ा ODOP जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, वॉलनट एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रोडक्ट है, 30,000 टन के आसपास कुपवाड़ा जिले में वॉलनट प्रोड्यूस होता है जी। वॉलनट के बारे में भी हमने जो है वो ब्रीड इंप्रूवमेंट में कई सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हुए। उतना ही नहीं तो इसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग किस प्रकार से किया जाए, एक सिंगुलर ब्रांड हमने डेवलप करने की कोशिश की है और जो ऑलरेडी फंक्शनिंग कश्मीर के हमारे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं उनको भी कुपवाड़ा वॉलनट को किस प्रकार से और प्लेटफॉर्म पे लाए इसके बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दें साहब। जी मेरा नाम है शबीर अहमद, वांग बटू कलारू से मैं बिलोंग करता हूँ सर। स्टूडियो में आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा लाउडर प्लीज। वांग बटू कलारू जी, जी पूछिए सवाल। सर अभी सर बता रहे थे, डीजे साहब बता रहे थे कि ये जल जीवन जो मिशन है ना। हेलो हेलो जी,
ये जो जल जीवन मिशन है, हर घर हर घर हर नल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा। आपकी आवाज हेलो बड़ी ब्रोकन आ रही है। हेलो जी 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 पूछे फिर से। ये इलाका एक है, एक गांव है वांग बुटू कलारूस। हेलो कलारूस वांग बुटू, वांग बुटू। अच्छा जल जीवन वांग बुटू कलारूस जी। वहाँ पानी का मसला है, सारे वहाँ पूरा मतलब आता है जाता है लेकिन परमानेंट कोई वहाँ पानी का मसला हल नहीं हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी या बोरवेल या लिफ्ट इरिगेशन या कोई और परमानेंट सोर्स पानी का वहाँ होना चाहिए ताकि वो आबादी परेशान ना हो, ताकि साल भर पानी रहे। मैं समझ गया जी, जी 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 जी। चलिए धन्यवाद। ये मेरे जो भाई बात कर रहे थे वो कलारूस नाम का हमारा एरिया जी, है, कलारूस है बात कर रहे थे और ये इनकी बात सही है। देखिए कुपवाड़ा एक वैसे वाटर स्ट्रेसफुल डिस्ट्रिक्ट है, कई सारे हमारे त्रेगाम जैसे इन्होंने बताया, त्रेगाम नाम का एक इलाका है, कलारूस इलाका नाम जी का जी इलाका, जी ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको इस सीजन में अब काफी सारा वाटर स्ट्रेस जो है वो होता है। मतलब एक ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे स्नो जो लोअर मेल्ट स्ट्रेचेस होता पे मेल्ट होके खत्म हो जाती है, फिर वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। जल जीवन के माध्यम से ये सारे गांव जो है वो कनेक्टेड होने का प्रयोजन ऑलरेडी है। उसी के साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि कुपवाड़ा जिला जो है वो पूरी हमारी वैली में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर्स बनाने वाला जिला है। अमृत सरोवर्स बनाने का सरकार का प्रयोजन भी यही था कि किसी प्रकार से जब हमें आसमानी जब पानी कम हो जाता है तो जमीन के नीचे के पानी के हम लोग इस्तेमाल किस एक्सप्लोइट प्रकार से करें कर जी। पाए, एक्सप्लोइट करें। और जमीन के नीचे का पानी जो होता है उसकी एक अपनी अपने लिमिटेशंस होती है, इसीलिए उसको रिचार्ज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अच्छा पिछला पूरा साल जब अमृत सरोवर हम बना रहे थे, सरकार ने जब निर्देश ऐसे दिए हुए थे, तो उसका फोकस भी वही था कि किस प्रकार से ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज को आप लोग बढ़ाएं। आज भी कुपवाड़ा में जो हमारे इंपॉर्टेंट नाले हैं, लोलाब के नाले हैं, उसको हमने वाटर फ्रंट्स बना के उसमें क्रॉस बंडिंग करके वाटर रिजर्वायर्स बनाने के हमने काफी सारा काम किया हुआ है। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा तो तकरीबन 1000 के आसपास अमृत सरोवर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, जिसकी वजह से पानी का सीपेज बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग सिर्फ बोरवेल्स अगर करेंगे तो उसमें पानी, अगर काफी सारे बोरवेल्स आप देखेंगे आज तकरीबन 30-40% जो है वो फेलियर्स बोरवेल में हमें दिख रहे हैं। तो ये भी एक पर्याय हमारा इसी तरीके से था कि ताकि पानी का स्तर जो उसमें बने, जल जीवन के माध्यम से जब इसमें काम पूरे हो जाएंगे तब ये सारे गांव जो हैं वाटर सिचुएशन स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जी सर, एक कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी, अपना तारुण है साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वाहिद मसूदी है सर, मैं कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली सर यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमें हम ये 20 साल तक पहुँचाना चाहते हैं। मसला ये है कि सर कुपवाड़ा में हमें कोई डंपिंग साइट नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडर्स को भी और लोकल्स को भी काफी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है सर। तो हम चाहते हैं कि डिस्चार्ज इस पे अपनी थोड़ा रोशनी डालें सर। चलिए अच्छी बात जी, धन्यवाद मसूदी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सही हमारा एक तीनों म्युनिसिपल कमिटीज का वेस्ट सॉलिड वेस्ट डंपिंग का एक इशू हमारे पास काफी टाइम से जो है वो पेंडिंग है। इसके बारे में जो है वो 3-4 लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई कर दी गई थी, फिर कॉमन एक प्रपोजल भी आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन किसी कैंप के नज़दीक होने की वजह से जो है वो हमें वापस उसमें फिर विचार करना पड़ा। अब नया इसमें ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि हमने ऑलरेडी जो है वो 3 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए, तीनों लंगेट म्युनिसिपल कमेटी के लिए, हंदवाड़ा म्युनिसिपल कमेटी के लिए और म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के लिए भी, कि जिसमें जो है वो आने वाले दिनों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का जो है वो आगाज वहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने जो है वो फंड्स मुहैया कर दिए गए हैं और प्रोजेक्ट DPR जो भी है इसका बना हुआ है। अभी का जो डंपिंग है उसको भी लोगों को निजात देने के लिए इन डंपिंग ग्राउंड्स पे डीप पिट्स करवा के उसको वेस्ट को वहां पे डिस्पोज ऑफ करने की हिदायत दे दी गई है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जो है वो ये इशू रिजॉल्व होकर साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ओजक, ये ओजक जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये कश्मीरी लफ्ज ओजक से निकला है जी, जहां तक मैं समझ पाया, आई डोंट नो ये क्या है ये बताइए। देखिए बैक टू विलेज 4 की हमने बात की हुई थी। बैक टू विलेज 4 में जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट सैचुरेशन करना ये सरकार की एक प्राथमिकता थी। सरकार एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मुहैया करने के लिए बहुत सीरियस और सिंसियर थी और इसके लिए काफी सारे एफर्ट जो है वो कर दिए गए। एम्प्लॉयमेंट का डेटा की अगर आप बात करेंगे अलग अलग रिपोर्ट्स की, तो इनफैक्ट कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट देने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ी है और ज्यादा बच्चों को हम लोग जो है वो रोजगार दे पाए हैं, इसको आंकड़े के साथ में भी सिद्ध किया जा सकता है।
इस प्रोजेक्ट उजक में हमने यही चीज को मद्देनजर रखते हुए बैक टू विलेज फोर में जिन जिन बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए थे, आपको अगर याद होगा तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि हर पंचायत से 20, 25, 30 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मिनिमम 20, कई कई पंचायतों में हमारे पास 50 बच्चे भी हमने आइडेंटिफाई किए। उन सारे बच्चों का ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हमने करवाया, उनको ब्लॉक लेवल पे जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई गई, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलवाई गई, और बैंक के कर्मचारी, जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारी, उनके ऑफिशियल्स, उसके बाद में तहसीलदार, उसके बाद में BDOs, इनको साथ बिठा के हमने काफी ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक में PRIs को इन्वॉल्व करते हुए हमने एम्प्लॉयमेंट के कैंप्स कराए। और इसी कैंप में से बाहर ये आया कि तकरीबन 8,000-8,500 बच्चों ने जिन्होंने हमारे पास रोजगार के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो सिर्फ 4 महीने की कालावधि में, उस ड्यूरेशन में हमने तकरीबन 5,500 बच्चों को जो है वो वहां पे रोजगार दिलाया गया, और आज वो अपने अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पे प्रोडक्शंस कर रहे हैं। आप अभी भी जाके जब भी कुपवाड़ा में देखेंगे तो टूरिज्म के हवाले से कई सारे बच्चों ने अपने अपने जो है वो रोजगार शुरू किए हैं। दंडियारी में विंटर फेस्टिवल हमने किया था, उसमें बच्चों ने ATVs खरीदी, स्नो मोबाइल्स खरीदी, बोटिंग जो है वो, तो कई सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो कुपवाड़ा में नहीं खिले, ये सिर्फ जो है वो बैक टू विलेज फोर और जो उजक स्कीम है हमारी उसकी वजह से। जी कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, हेलो हेलो। जी सर, मेरा नाम पी रोशन है, मैं कुपवाड़ा से हूँ। हमारी यहाँ पे एक बस्ती है गुजर दजी नगरी मालपुरा, वहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1986 में प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश किया है, मगर स्कूल एस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ पे नाम मसाद हालात हुई, जो बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी। उसके बाद 2000 में जब वो लोग वहाँ पे वापस चले, क्योंकि वो पहले माइग्रेट हुए थे वहाँ से, उस बस्ती से जब वो वापस चले गए तो बिल्डिंग वहाँ पे खस्ता हो चुकी थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक एक करके वहाँ पे वो एक कमरा या दो कमरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आज की डेट में इस वक्त क्या है कि एक शायद बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल में। जी, इनका मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया, बट स्कूल एजुकेशन के किसी बिल्डिंग के रिलेटेड इनका मसला है, और उन्होंने ये बताया कि मुझे लगता है कि बिल्डिंग की खस्ता हालत है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये जरूर मुझसे आके मिले, क्योंकि मुझे कंटेंट्स एग्जैक्टली पता नहीं चले, इसमें जरूर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अभी पिछले दिनों हम 4-5 दिन पहले की बात है कि पूरे J&K के तमाम अजला में किसान बीमा योजना लागू हो गई, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे किसानों को? देखिए, किसान बीमा योजना किसानों के हित के लिए और उनकी जो उपज है उसको सिक्योर बनाने के लिए, किसान को एक सिक्योरिटी देने के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक लैंडमार्क योजना है। पहले भी आप देख रहे हैं कि PM किसान की वजह से किसान को इनपुट रिलेटेड फैसिलिटेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल उठाई गई थी। तकरीबन 1,25,000 के आसपास किसान जो है वो कुपवाड़ा में PM किसान का बेनिफिट ले रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में जब कोई भी किसान जब फसल बो देता है, उस फसल की सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये भी अपने आप में किसान के लिए बहुत चैलेंज होता है। आप देखिए, कुपवाड़ा में पिछले कुछ दिनों में पेस्ट डिजीज आए हुए थे, जो है वो रेड, हमारा जो रेड राइस है उसको जो है वो फंगल डिजीज आया हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी सारा लॉस जो है वो किसानों को झेलना पड़ा। हालांकि उसमें हम लोग रिलीफ की तरफ से उनको मदद करते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है। जी, इस फसल बीमा योजना से ये होगा कि अब किसानों की जितनी भी क्रॉप होंगी वो 100% इंश्योर हो जाएंगी, और उनको उसमें से डिलीवरेबल, अगर मान लीजिए कि नेचुरल किसी फैक्टर की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल किसी डिजीज की वजह से उनका लॉस हो जाता है, तो पूरी उसकी जितनी भी लॉस एस्टिमेटेड होगा उसका बेनिफिट किसान को मिल जाएगा। तो किसान की सेफ्टी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम अपनी जिंदगी को सिक्योर करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, किसान के लिए अपनी फसल जो है वो लाइफ होती है, उसको इंश्योर करने का काम ये मुझे लगता है स्कीम करेगी। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1,25,000 के आसपास फार्मर्स हैं, उसमें से हजारों की तादाद में जो है वो फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। डीजी साहब, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है कि पूरे कश्मीर के जितने भी अजला हैं, आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे वो डिजिटाइज हो रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपके एरिया में भी, आपके कुपवाड़ा में भी डिजिटाइजेशन मुकम्मल हुई होगी। एक तो बताइए कि क्या इस वक्त पूरा आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटाइज है, और दूसरा ये आपकी जमीन, आपकी निगरानी वाला जो सिलसिला है, इसके बारे में बताइए हमें। देखिए, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की बात की, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। भले ये रेवेन्यू का काम इस प्रकार से होता है कि आपको डायरेक्टली कहीं दिखे नहीं, लेकिन ये एक इंटरनल रिवॉल्यूशन होता है। और मैं आपको बताता चलूं कि जितना फास्ट
ये काम हुआ है, भारत के किसी हिस्से में शायद ही मुझे लगता है इतना फास्ट हुआ होगा। मैं महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूँ, महाराष्ट्र में भी डिजिटाइजेशन का काम वो है वो काफ़ी पहले सालों में हुआ हुआ था। तब मुझे याद है कि महाराष्ट्र में ये डिजिटाइजेशन जब हम कर रहे थे तो 10 से 12 साल का समय लगा ये पूरा डिजिटाइजेशन वन एंड से लेके आखिरी एंड तक करने उस हिसाब से यहाँ बहुत फास्ट उस हिसाब से जम्मू कश्मीर में दो साल में जो है वो पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम खुद जब एक टाइम पे देखते थे तब हमें लगता था कि शायद ये इतना फास्ट काम होगा क्या, लेकिन मैं मतलब अप्रिशिएट भी करूंगा पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ को, और उसी के साथ साथ जो गाइडेंस हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मिली, वर्दी सीएस साहब की तरफ से मिली, डायरेक्शंस जो एलजी साहब की तरफ से मिली, उसकी वजह से एक एनर्जाइज तरीके से इसको किया गया। इसका बेनिफिट यह होने वाला है कि आज अभी वो दिन दूर नहीं है, ये सारी चीजें जो ऑलरेडी आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल में डाले गए हैं, आप उसमें जो है वो आपकी गिरदावरी जो भी होती है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फिलहाल वगैरह आप व्यू कर सकते हैं जी। और आने वाले दिनों में जब आप उसमें से प्रिंट आउट निकालेंगे शायद वही ऑथेंटिकेशन उसकी मानी जाएगी, तो अब आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज के पीछे ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको पिलर टू पोस्ट जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक पब्लिक का टाइम बचाने के लिए और सहूलियत देने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर सागर साहब, अभी पिछले दिनों अखबारों में एक खबर आई थी कि कुपवाड़ा एरिया में 17 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ लिग्नाइट एंड मार्बल के जखायर मिले हैं। अगर ये सही है तो क्या प्रोग्राम है आपको इस जखायर के बारे में? काफी ह्यूज क्वांटिटी है। देखिए, एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि कुपवाड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकली बहुत ही वास्ट एरिया है और इसमें सिर्फ प्लेन एरियाज ही नहीं तो पहाड़ी एरियाज भी है, होस्टाइल जो है वो टेरेन भी है, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो इसमें पाए जाने की आशंका है। पहले ही जिप्सम रिलेटेड काफी सारे रिजर्व जो है हमारे पास पाए गए। हाल ही के दिनों में जियोलॉजी और माइनिंग की तरफ से एक ये आया कि जिसमें लिग्नाइट रिसोर्सेज बहुत माने गए। मुझे लगता है कि एक चैलेंज हमारे पास ये रहेगा कि किस प्रकार से हम लोग इसका रीजनेबल इसका एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम कहेंगे यूटिलाइजेशन रिसोर्स, क्योंकि कुपवाड़ा उसी के साथ साथ एक बहुत ही ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है जी। अगर आप फॉरेस्टेशन की बात करेंगे तो बहुत भारी मात्रा में फॉरेस्टेशन कुपवाड़ा में है और अनटच्ड है, काफी मात्रा में इसको जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से हजारों की तादाद में इसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और एनवायरमेंटल कंसर्न्स की तरफ हम इसको एक्सप्लॉइट करें, आने वाले दिनों में हम सबके लिए एक प्रायोरिटी हो। कुपवाड़ा के बारे में यह भी कहा जाता है डॉक्टर सागर के वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा पोटेंशियल है, इसके अलावा हाइड्रो पावर का भी बड़ा पोटेंशियल है, इन दो एरियाज के बारे में कुछ है इन द पाइपलाइन? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी तकरीबन 2 साल पहले आई हुई थी, वो एक लैंडमार्क पॉलिसी थी जिसके तहत हम कोशिश ये कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को किस प्रकार से ऑगमेंट किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई बताते हुए, कि ऑलरेडी 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फुल फ्लेज्ड तरीके से चल रहे हैं जी। और लोकल 100% जो लोकल एंटरप्रेनर्स हमारे पास है, चाहे वो ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक बेलिंग एंड पैकेजिंग की इंडस्ट्री हो, उसके बाद में जो आपकी वेल्डिंग रिलेटेड इंडस्ट्री हो, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, ये फिजिकली कुपवाड़ा में इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगे हुए हैं जी। तकरीबन 116 के आसपास यूनिट्स जो है वो हमारे हर हंदवाड़ा की इंडस्ट्रियल यूनिट और हमारी जो रेड बुक की इंडस्ट्री उसमें ऑलरेडी जो है वो लग के फंक्शनिंग तौर पे है। इसके साथ साथ ही पिछले कुछ दिनों में हमने तकरीबन 3 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स निकाले हुए हैं कि जिसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा सकता है। कुपवाड़ा में टूरिज्म एज ए इंडस्ट्री को भी बहुत प्रमोट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि पोटेंशियल के हवाले से ये काफी मात्रा में टेकअप भी हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के बारे में बात की, उसमें भी कई सारे लोगों ने लोन लेके जो है वो वहीं पे इंडस्ट्री शुरू की है। हाइड्रो पावर के बारे में कुछ हो रहा है? और हाइड्रो पावर की जो आपने बात की, उसमें ऑलरेडी हमारा एक 12 मेगावाट का प्लांट जो है वो कर्नाटक धार में उसका काम चल रहा है काफी सालों से। पब्लिक सेक्टर में है या पीपीपी मोड में है? ये जो है वो हमारी स्टेट जो हमारी पीडीसी है, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो जो है वो उसको बना रही है। 12 मेगावाट का प्लांट है और ऑलरेडी 2024 में जो है वो उसका कंप्लीशन स्टेजेस पे आने वाला है। टूरिज्म के बारे में बताइए कि टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है? आपके पास दंग्यारी है, आपके पास बंगस है उस एरिया में, या करना है, मच्छल है, जो बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए एरियाज है, तो क्या पोटेंशियल है? देखिए, बंगस के हवाले से टूरिज्म को डेवलप करना, ये हमारे वर्दी सीएस साहब की और एलजी साहब की बहुत बड़ी इच्छा है।
आपको पता होगा कि बंगस में जो हमारा फेस्टिवल होता था उसमें माननीय उपराज्यपाल महोदय खुद भी आए हुए थे। उन्होंने कई बार ये बोला कि इसको डेवलप करने के लिए आपको जो भी चीज़ें करनी है करें। रोड जो है वो बंगस तक की हमारी पूरी हो चुकी है, नाउ इट्स मोटरेबल जी, और तीनों साइड से, हंदवाड़ा साइड से, राजवार साइड से और कुपवाड़ा साइड से, तीनों जगहों पर वहाँ पर एक्सेस है। पिछले कुछ दिनों में हमने विंटर कार्निवल का आगाज कुपवाड़ा में किया था। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहले ही दिन पे तकरीबन 12,000 के आसपास लोगों ने वहां पे शिरकत की। अच्छा। हालांकि ये शुरुआत थी, काफी चीजें इसमें और करने की आवश्यकता है और सिस्टमेटिकनेस लाने की जरूरत है, लेकिन कुपवाड़ा इज वेरी हंग्री फॉर रिसीविंग टूरिस्ट एंड वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज फॉर दैट। उसी तरीके से बॉर्डर टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कुपवाड़ा में रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन एरियाज में वो परमिशन वगैरह की बड़ी आवश्यकता रहती है, तो उस सिलसिले में क्या? देखिए आजकल जो है वो पासेस का सिस्टम ऑनलाइन पूरी तरीके से हो चुका है। आज आपको परमिशन निकालने के लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सी जो हमारी एनआईसी की साइट है उस पर जाके क्लिक करना है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जो है वो विद इन 48 आवर्स आपको जो है पास मुहैया किया जा सकता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर मान लीजिए कि उसमें स्नोफॉल की कंडीशंस हो, ब्रेक हो, तो उसमें जो है वो ज्यादा लगता है, लेकिन आज परमिशन जो है बहुत ईजी होती है। रिपीटेटिवली आर्म फोर्सेज के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ बात करके किस प्रकार से इसको और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, इसके बारे में सोच विचार जारी रहता है। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो, आजाब। जी जी, भट्ट साहब बोल रहे हैं। हाँ आजाब, आजाब जी, फरमाइए भट्ट साहब। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुन रहा था डीसी साहब को। डीसी साहब, मेरी एक आपसे, एक ऑनरेबल डीसी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली इन यूटी स्टेट ऑफ जे एंड के, हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज ओनली इन कश्मीर, दैट इज टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड दिस वर्ल्ड, दिस एप्पल इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, द एवेन्यूज इन अदर स्टेट्स, जस्ट लाइक आप महाराष्ट्र में खुद रहते हैं, खुद वहां के, देयर आर न्यूमरेबल एवेन्यूज, यू कैन, आई हैड बीन देयर माइसेल्फ, there are so many avenues are in other states. Hamare mein ab develop ho raha hai, now the government of LG is developing the avenues, but ye development stage hai. Mere khayal mein, what I have seen in my lifetime, ke jo 40% hamare hain, aap kar rahe hain skill development avenues, other things jaise prime ministers, other factors are in skill development, स्टार्टअप, स्मार्टअप, ये स्टार्ट हो रहे हैं, कभी कभी ये बंद भी हो रहा है, कभी नहीं, इसका कंटिन्यूटी नहीं होती है। दूसरी बात है जो मेरे खास है, एक एवेन्यूज है, 40% यू आर डेवलपिंग, नो डाउट, बट वाई इज अ सिंपल थिंग, एम्प्लॉयमेंट पैकेज इज नॉट गिवन, वाई दीज पीएचडीज, एमएससीज, डिग्री होल्डर्स, दे शुड बी गिवन, बेचारे ये भी रोजगार, एक रोजगार होता है, रोजगार मीन्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, वन शुड गेट इट, मगर डिप्रेशन में है जो एम्प्लॉयड है, वाई वी कुड नॉट गेट द एम्प्लॉयमेंट पैकेज इन गवर्नमेंट ऑफिस, डिफरेंट गवर्नमेंट, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी आपका कुपवाड़ा में जो है, या आप लीचियम बोले, मेरा एक सोशल एनवायरमेंट, मेरा एक चीज है, आप एवेन्यूज, लीचियम निकल गया, अदर पोटेशियम निकल गया हमारे में, आप देखिए इसमें प्रोज एंड कॉन्स भी है, देयर आर इंडस्ट्रियल, हिमालयन रेंज, आप देखिए कैसे क्रैक्स हो रहे हैं डोरा में, कैसे डिफरेंट, इट वी आर इन फिफ्थ जोन, वी आर डेवलप एंड सी देयर एम्प्लॉयमेंट पैकेज लिथियम इज, बट उसमें प्रोज एंड कॉन्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। चलिए अच्छी बात है भट्ट साहब, हमारा कश्मीर फिफ्थ जोन में, वी शुड थिंक एनवायरमेंट थिंकिंग भी, वहां देखना नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव इज डू, बट वी शुड थिंक अबाउट नेगेटिव बिकॉज वी आर कमिंग इन फिफ्थ जोन, हिमाचल, एवरीथिंग। सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाई नॉट एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है, जो पहले पहले होता था, वो क्यों डाउन हो रहा है? ओके सर, ये व्हाट्सएप हमारे दिल्ली से कॉलर होते हैं जी, तो ये हमेशा हमारे कॉल, इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं। धन्यवाद, सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट स्कीम्स है LG's एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें काफ़ी जो है वो तब्दीली देखने को मिली है। डेवलपमेंट के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी विस्तार से बात की कि डेवलपमेंट के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। उनके कंसर्न जो है वो सही है कि जहाँ जहाँ पे माइनिंग हम लोग जो है वो देख रहे हैं, वहाँ पे सब्सिडेंस का खतरा होता है। एनवायरमेंटल कंसर्न हमेशा से
जो है वो इन सारी चीजों में बड़े मद्देनजर रखने की जरूरत होती है, ये ठीक क्योंकि वो कंसर्न कश्मीर दिखा रहे थे कि बिल्कुल कई जगहों पर जमीन में आजकल क्रैक्स क्रैक्स आ रहे हैं, डोडा जैसे इलाकों में उन्होंने बताया जी कि जी क्रैक्स जी आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक्सप्लॉयटेशन इन रिसोर्सेज का होगा तब हमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स को बहुत अच्छी तरह से जी मद्देनजर रखना जी पड़ेगा। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी इन्होंने बताया कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो एमएससी बीएससी वगैरह है। मुझे लगता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एवेन्यूज को बहुत ज्यादा बच्चों ने और एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। एक हो गया जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन जो हम लोग लेते हैं, इसके अलावा भी ये बिजनेस रिलेटेड मुझे लगता है कि एक एक्यूमेन होता है जिसको हमें और देखने की जरूरत है। कुपवाड़ा जिले की अगर मैं बात करूंगा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग जो है वो खासा फोकस देते हैं ताकि बच्चों के एक ट्रेड रिलेटेड स्किल्स जो है डेवलप हो, जी एक जी स्मार्टनेस डेवलप हो कि अपना अपना बिजनेस जो है वो किस प्रकार से रन कर पाए। पहले और मुझे चेक लगता है करने की जरूरत है ना कि वो खाली गवर्नमेंट जॉब की जी, और इन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया कि आप देखते हैं महाराष्ट्र में कैसे हो। मैं सच बात मानता हूं कि मैंने देखा है कि कश्मीर के बच्चे जो है बहुत हुनरमंद है, उनमें हुनर बहुत है एंड दे कैन बी द बेस्ट बिजनेसमैन इन द कंट्री। एंटरप्राइजिंग बहुत ज्यादा है, आर्ट एंड कल्चर के हवाले से बहुत है। तो मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल्स बच्चों की बाहर लाने की आवश्यकता है और यूथ को उस तरफ चैनलाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जिम्मेदारी कहीं इसके साथ रिलेटेड तो नहीं है? देखिए, जिम्मेदारी एक स्कूल रिलेटेड हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने पूरे 1500 स्कूल्स में कोशिश ये की हुई थी कि किस प्रकार से इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो लाया जाए। हमने 85 पैरामीटर्स जो है वो निकाले कि किसी भी आइडियल स्कूल में किस प्रकार से ये पैरामीटर्स जो है वो इंश्योर कर देने चाहिए। फिर उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, बच्चों की इमोशनल एंड सोशल लर्निंग, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो सराउंडिंग से सीखते हैं उसी के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी बनती है और उसी पर्सनैलिटी के ऊपर उनकी एम्प्लॉयबल पोटेंशियल बनता है। अगर बच्चों की पर्सनैलिटी वीक रहेगी तो एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ डिग्री लेने से जो है वो काम पूरा नहीं होता है। और जिम्मेदारी प्रोग्राम में फिर हमने इस पर भी फोकस किया। 1500 स्कूल्स में तकरीबन 7000 टीचर्स को हमने इसके बारे में ट्रेन किया, उन्होंने अपने स्कूल्स में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स की और आज आप देख रहे हैं कि स्कूल्स में कुपवाड़ा में काफी सारी तब्दीली आई हुई है और उन सारी स्कूल्स को हमने ग्रेड करवा के उनका एक पोर्टल भी शुरू किया। डॉक्टर साहब, वहां कॉल ऑनलाइन। हेलो, हां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, कहां से? सर मैं बिलाल जहांगीर बोल रहा हूं कुपवाड़ा से। जी बिलाल साहब, सर मुझे डीसी साहब से मेरा एक सवाल है, ये बता दीजिए हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स के लिए हर एक जगह पे ग्राउंड्स हैं जी, लेकिन कुपवाड़ा हर एक जगह पे बना भी रहे नए नए ग्राउंड्स, तो आपके कुपवाड़ा बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं कि ग्राउंड्स के बारे में, तो क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे ये ग्राउंड्स बनाने के लिए? जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले को यूथ के रिलेटेड ही इन्होंने जो है वो टच किया हुआ है। देखिए, कुपवाड़ा में हर एक पंचायत में प्लेग्राउंड्स बनाने का काम जो है वो ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेजेस पे है। जो बचे कुछ प्लेग्राउंड्स है, कुछ पंचायतों में अभी भी लैंड इश्यूज थे तो वो भी इस प्लान में नरेगा में हमने डाल दिए हैं। मुझे लगता है एक तकरीबन जो है वो 2 डिजिट फिगर होगा जिनके बाकी है। अभी 385 पंचायत में मैक्सिमम जगहों पर हमने प्लेग्राउंड्स इंश्योर किए हुए हैं। उसी के साथ साथ जो नए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, पिछले मुझे लगता है कि तकरीबन एक महीने पहले कुपवाड़ा में नए इंडोर स्टेडियम का आगाज हुआ, उसको इनॉग्रेट कर दिया। काफी सालों से वो बिल्डिंग वैसी ही पड़ी हुई थी, उसको पूरा कर दिया गया और आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स जैसे रेस्टलिंग स्पोर्ट है। और कुपवाड़ा में अगर हंदवाड़ा की बात अगर हम करेंगे तो हंदवाड़ा एरिया में काफी सारे बच्चे जो है वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आकर्षित हैं जी। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्शल, साउथ कोरिया के कुछ मार्शल आर्ट्स है, जापान के कुछ मार्शल आर्ट्स है, वो हंदवाड़ा में खेले जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। कई जगहों पे गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको दे दिया गया है। मुझे याद है कि ज्वाइन करते ही मैंने ऐसा कोई ग्रुप मुझसे मिलने के लिए आया था तो हंदवाड़ा में हमने जो है वो एक जगह उनको देके वहां पे उनका जो है वो मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का एक इंप्रूवमेंट काफी सारा हुआ है आपके माध्यम से। और मैं व्यूअर्स को और कुपवाड़ा के मेरे यूथ को अपील वही करना चाहता हूं कि कई सारे और यूनिक स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के भी कुपवाड़ा में नेचुरल ब्यूटी बहुत है, हाइकिंग का स्कोप है, माउंटेनियरिंग का स्कोप है, माउंटेन बाइकिंग का स्कोप है, ऑफ रोड जो हमारी मोटर बाइकिंग है उसके बारे में भी कुपवाड़ा में काफी सारे यूथ जो है वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कुपवाड़ा की आइडेंटिटी हमें उस प्रकार से बनाने की और आवश्यकता है कि यूनिक स्पोर्टिंग वहां पे किस प्रकार से शुरू हो। जो जो अब आप कल की अगर मैं बात करूंगा, कल ही कुपवाड़ा में बोटिंग
और जो आपका वो जॉर्बिंग एंड कायाकिंग, ये तीन इवेंट जो है वो शुरू हुए हैं। मुझे लगता है बहुत फास्ट हम लोग जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हब वो बनने जाएगा। एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 जी हेलो। जी, अपना तारुफ दें साहब, आपकी आवाज आ रही है हमारे। हाँ, मेरा नाम बशीर अहमद शाह है, मैं कुपवाड़ा कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ जी। जी अगर मुझे मेरी डीसी साहब से ये नहीं, है आपकी आवाज स्टूडियो में बहुत कम आ रही है। सर के यहाँ नहीं, अब तो खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। अब फिर से ट्राई कीजिएगा दोबारा। काफी एरिया प्लान है, नहीं आवाज नहीं आ रही है, दोबारा ट्राई कीजिएगा सर। ये जो आप लोलाब एरिया है वहां से, अभी हम थोड़ी देर पहले टूरिज्म की बात कर रहे थे, वहां कलारूस है और साथ में सतबरन है। ये सतबरन और कलारूस को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? आई हैव बीन माइसेल्फ टू दैट प्लेस। अब सतबरन में 7 वो मेडिटेशन चैम्बर जैसे हैं, वहां किसी को पता भी नहीं ये क्या था। कोई कह रहा था यहां गार्ड थे, वहां से कोई कुछ आ रहा था उस टनल से, तो फिर यहां वो चेकिंग हो रही थी। कोई कह रहे थे मेडिटेशन चैम्बर्स, और ये जो टनल इन इटसेल्फ है जो अंदर आप गए होंगे उसके अंदर, एक तो वहां तक पाथ नहीं है वहां से जाने का, अपवाक्स के ऊपर से जाना है और काफी है वहां तक। एक चेयर कार अगर लगाई जाए और पोटेंशियल काफी है उस केव को देखने के लिए, और अंदर तो लाइटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए केव्स जो सतबरन की और कलारूस की केव्स आपने बताई है, ये एक अपने आप में एक ज्योग्राफिकल फीचर है, और वहाँ पे नेचुरल हेरिटेज होने की वजह से मिनिमम डिस्टर्बेंस में हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक्टिविटीज बने। अब जैसे एक्सेस रोड की अगर मैं बात करूंगा, तो पिछले साल तक एक्सेस रोड वहाँ पे नहीं हुआ करता था, नहीं था, इस साल बिल्कुल नहीं जो है था। हमने एक्सेस रोड वहाँ तक कहाँ? सतबरन तक। बनाया, सतबरन तक, हाँ आपके सतबरन तक, फुटहिल्स तक, जहाँ आप ट्रेकिंग शुरू करते हैं, हाँ जी, केव मतलब के जो लिए। केव के लिए, जी केव से पहले, मतलब जहाँ आप सतबरन से केव तक। फुटहिल्स तक, हाँ फुटहिल्स तक जहाँ आप करते हैं वहां तक जो है वो हमने उसमें करवा के नरेगा में प्लान में डलवा के रोड का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था। उसी के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से उनके साथ मिलकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जैसे एक छोटा टूरिस्ट हट जो है वो वहां पे ऊपर बनाया गया है, वीविंग डेक जो है वो बनाया गया है, ऐसे करके एक एक एडिशन मुझे लगता है उसमें शुरू है। अभी फिलहाल हमारा फोकस ये है कि कुपवाड़ा में फुटफॉल को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट स्पॉट आप जितना भी डेवलप करेंगे, अगर वहां पे फुटफॉल नहीं होगा तो डेवलप करने का उसका कोई मायना जो है नहीं होता है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग टूर ऑपरेटर्स को वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। सतबरन जैसा इलाका हो, बंगस जैसा इलाका हो, बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से टिटवाल अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स टिटवाल में हो रही है, जी वो भी बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से हो रही है। कल्चरल टूरिज्म का काफी सारा जो है वो वहां पे एडिशंस हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो अलग अलग प्रायोरिटीज हैं उसकी वजह से एक कुपवाड़ा की एक नई आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तभी जाके जो है वो टूरिस्ट और वहां पे बढ़ेंगे। सर, रोड्स जो हिली एरियाज के होते हैं या इन बॉर्डर एरियाज के होते हैं वो काफी डेवलप्ड नहीं होते जनरली, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं उस एरिया में गया भी हूं तो काफी बम्पी रोड्स हुआ करते थे, पॉटहोल्स की तो बात ही नहीं। जहां तक मैक्डमाइजेशन का ताल्लुक है, तो मैक्डमाइजेशन के सिलसिले में आपके वहां रोड्स का क्या हाल है? और खासतौर से एक एरिया है कावारी टू आवरा, कहते हैं इस रोड पर 45 साल से या 40 साल से मैक्डमाइजेशन ही नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको अभी दावत देता हूँ कि आप बॉर्डर एरियाज का अब रास्ते खुल गए हैं, एक बार आप टीटवाल तक का दौरा करके जरूर आएं। इस साइड में आप जो है वो केरन के डट ब्रिज तक का दौरा करके आ जाएं, टिटवाल तो जो मैं और पहले गया हाँ हूं कुछ साल पहले, मतलब 10-12 साल पहले, आपको मुझे कितना लगता है समय लगा होगा टीटवाल, इट वाज हॉरिबल। कितना समय लगा होगा टीटवाल पहुंचने में? मतलब कोपवारा से हम गए थे फिर टिटवाल की तरफ, और इतना बम्पी रोड था, इतने रॉक्स के ऊपर से वो गाड़ियां चल रही थी। आज ये हालांकि टीटवाल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगता है कुपवाड़ा से लेके, और पूरा रोड जो है वो 100% मैग्डमाइज है एलओसी के हमारे एंड पॉइंट तक। कमाल है। और मच्छल की अगर मैं बात करूंगा, आप जानते हैं कि मच्छल बहुत ही दूर दराज का एरिया है, मच्छल के हेडक्वार्टर तक आपको पूरी तरीके से मैग्डमाइज रोड मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस साल जो है वो नाबार्ड के माध्यम से मच्छल से लेके दूधी जो हमारा लास्ट पॉइंट है
वहां तक भी जो है वो रोड सैंक्शन हो चुकी है। ये कावारी और आवरा रोड को जो ये इसके बारे में मुझे और जानकारी लेने की आवश्यकता है, अगर आप देखेंगे तो उसके बारे में विस्तार से कभी। सर ये जो सरोवर के बात आप कर रहे थे कि यू आर क्रिएटिंग सम सरोवर्स, तो वो जरा वो इज इट सम समथिंग लाइक हार्वेस्टिंग रेन वाटर? देखिए अमृत सरोवर ये जो एक मैं कहूंगा कंसेप्ट है, ये बहुत ही फंटेस्टिक कंसेप्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट का, कि जिसके तहत अब हम तो ग्राउंड वाटर की पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल ये सरफेस वाटर है, बिकॉज सरफेस वाटर को देखिए हम महाराष्ट्र में आप अन्ना हजारे जी के बात नाम आपने सुना जी, होगा जी, जी, तो उनका वाटरशेड डेवलपमेंट का एक अपना आपका मॉडल है, उसमें वो कहते हैं कि जो दौड़ने वाला पानी है उसका चलना सिखाए, टेल हिम टू हाउ टू वॉक, द वॉटर विच इज रनिंग यू हैव टू मेक हिम वॉक, अच्छा द वॉटर विच इज वॉकिंग यू हैव टू मेक हिम स्टॉप इट स्टॉप एंड द वॉटर विच हैज स्टॉप्ड you have to make it seep into the ground. True. So that is the concept of watershed management. Amrit Sarovar has exactly struck down upon this particular model. हजार के आसपास अमृत सरोवर जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ ग्राउंड पे ही नहीं, हमने नाले के ऊपर क्रॉस बंडिंग करके भी अमृत सरोवर जो है वो बनाए हुए हैं। अच्छा। इसका दो फ्रंट पे डेवलपमेंट हुआ है, एक तो पानी की मात्रा भी बड़ी हुई है, पानी आप कंजर्व कर पाते हैं, उसी के साथ साथ टूरिज्म के हवाले से वाटर फ्रंट हम लोग वहां बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि साबरमती रिवर फ्रंट या जम्मू के बड़े बड़े फ्रंट्स बने हुए हैं, उसी प्रकार से छोटे छोटे टूरिज्म के हवाले से फ्रंट्स जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बने हुए हैं। आप कभी भी जाके जो है वो उसका उसको देख सकते हैं, उसका जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसीलिए अमृत सरोवर अपने आप में एक बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइंग मॉडल था। इन सारे अमृत सरोवर्स के काम पूरा हो चुका है, वाटरशेड मैनेजमेंट का आप देख रहे हैं कि उसके वजह से ग्राउंड वाटर रिजर्व जो है वो ऑलरेडी ऑगमेंट होना शुरू हुआ है। दर्शक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी हेलो हेलो, आवाज बहुत ही कम आ रही है स्टूडियो में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दे जनाब। हां देसी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी कि कुपवाड़ा से बाड़ीपुरा के लिए औलोसा कुपवाड़ा रोड वजीर तामीर था जी, लगभग 5-7 किलोमीटर उसमें नगरमा जी हो गया है, लेकिन फॉरेस्ट वालों के साथ इन्होंने वो डिसाइड नहीं किया और रोड कुपवाड़ा के साथ कनेक्ट ना हुआ, इसकी क्या वजूहत है? ये कुपवाड़ा से बाड़ीपुरा इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के पीछे से मुझे लगता है शायद वो बात कर रहे थे, तो उसमें जो है वो हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बाकी का पोर्शन जो है वो अभी कच्चा रोड है बिकॉज ऑफ जो फॉरेस्ट का आप जानते हैं कि एक प्रक्रिया होती है उस बात की कि प्रवेश पोर्टल पे आप उसको डालना पड़ता है, उसके बाद उसका अप्रूवल आता है, उसके बाद जो है उसका काम शुरू होता है। मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हो चुकी है, आने वाले सीजन में जो है उसका काम पूरा हो जाएगा। सर साहब ये जो आपका अपने डिस्ट्रिक्ट का अपना कैपेक्स बजट होता है, कैपेक्स प्लान अपने प्लान होते हैं, दूसरे आपके होते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो कई सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, उन पर भी काम चलता है, तो कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट की ही डेवलपमेंट होती है, क्या कोई कन्वर्जेंस प्लान भी होता है इसका, आप दोनों को कन्वर्ज करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल इस बार पूछा है, क्योंकि इस बार ये सरकार की बहुत हिदायत थी कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लान जो है वो कन्वर्जेंस में डालें, तो इस बार पहली बार जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्जेंस का प्लान बनने जा रहा है और बन गया है। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की जितनी भी स्कीम प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, कैपेक्स है, उसको आप नरेगा के साथ कन्वर्ज करेंगे। मान लीजिए कि अगर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पास में कोई भी प्लेग्राउंड डेवलप करने के लिए 10 लाख रुपए आते हैं, उसको आप नरेगा के साथ कन्वर्ज करेंगे। Correct. इस प्रकार की सैकड़ों की तादाद में स्कीम्स हमने इस बार उठाई हुई है। सिर्फ प्लेग्राउंड्स की बात अगर मैं करूंगा, उसके साथ साथ इस बार कुपवाड़ा में आंगनवाड़ी सेंटर्स तकरीबन हमारा जो टारगेट है इस साल का, हम लोग 250 नई आंगनवाड़ी सेंटर्स, नई बिल्डिंग्स जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक कैटेगरी होती है कि कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपने आप की खुद की बिल्डिंग है, तो कुपवाड़ा में आने वाले 2 सालों में कोई भी आंगनवाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसकी खुद की बिल्डिंग नहीं होगी। इन 250 आंगनवाड़ियों के लिए कन्वर्जेंस प्लान हमने बनाया हुआ है, जिसमें 2 लाख का कंपोनेंट जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से या अलग अलग सोर्सेज से हम लोग डालने वाले हैं। 14th FC में जो ADF होता है, DDCs BDCs का, वो भी लोग आगे आके जो है वो काफी मात्रा में सोच विचार कर रहे हैं कि कॉन्वर्जेंस का करेंगे, तो 2 लाख रुपए उनके फंड में से और तकरीबन 8 लाख रुपए नरेगा में से, ऐसा कॉन्वर्ज करके हम लोग जो है वो सारा प्रोसेस पूरा करने वाले हैं। कॉन्वर्जेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि रिसोर्सेज आपके जो है वो चैनलाइज हो जाते हैं, साइलोज में हम लोग काम नहीं करते। अगर मैं कुछ महकमे ऐसे हैं जो नॉर्मली जो है वो जैसे फिशरीज जैसा महकमा है,
कि टारगेट जो है बहुत कम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिशरीज डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो फिशरीज की स्कीम को किस प्रकार से नरेगा के अंतर्गत हम लोग पूरा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काफी सारा विचार हुआ और ब्रॉड कॉन्वर्जेंस का प्लान हमारा तैयार हुआ है। तकरीबन 2000 के आसपास काम जो है वो कन्वर्जेंस में हम लोग इस बार पूरे करेंगे। अच्छा, ये जो आप काम डिसाइड करते हैं इसमें पंचायत को ऑन बोर्ड लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाता है वो मैक्सिमम पंचायतों के पास जाता है, एडीएफ जो है वो मैक्सिमम बीडीसीज और डीडीसीज के पास जाता है। तो उनके एग्रीमेंट के बिना, उनके सहयोग के बिना और उनकी प्रायोरिटीज के बिना किसी भी काम को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। उनका उसमें योगदान होना और उसका उसमें उनके एग्रीमेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उन सबको ऑनबोर्ड लिया जाता है इस बात के लिए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कन्वर्जेंस का बीडीसीज के माध्यम से, डीडीसीज के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुपवाड़ा के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपके सामने देखेगा। लक्ष्य, ये जो ड्रग बिजनेस है ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा, आपके वहाँ इस तरह का कोई चैलेंज है? देखिए, कुपवाड़ा जिला जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और बहुत भारी मात्रा में जो है वो इलीगल स्मगलिंग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो होती है। अगर मैं आंकड़े के हिसाब से बात करूंगा तो आज की तारीख में पिछले साल भर में तकरीबन 80 किलो के आसपास नार्कोटिक्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा ने और पुलिस सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा ने, इन दोनों ने मिलकर जो जब्त किया हुआ है। तकरीबन 350 के आसपास अरेस्ट जो है वो ड्रग पेडलर्स के हमारे पास हुए हैं। उसी के साथ साथ तकरीबन 35 पीएसएस जो पिट एनडीपीएस के होते हैं उसके तहत भी लोगों को जो है वो पिट एनडीपीएस के तहत भी एक्शंस हुई हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि ऑनरेबल एलजी इंतजामिया की और वर्दी सीएस साहब की ड्रग जो हमारा नार्कोटिक कंट्रोल है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में से एक है। ड्रग की सप्लाई को भी कम करना और ड्रग की डिमांड को भी कम करना, ये दोनों एस्पेक्ट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में पहली बार जो है वो पिछले 6 महीने पहले कुपवाड़ा में हमने एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का आगाज किया हुआ था। तकरीबन 350 के आसपास बच्चे जो है वो कुपवाड़ा में ऑलरेडी उस सेंटर से ड्रग मुक्त होके रिकवर होके बाहर निकले हुए हैं। बैक टू विलेज 4 की आपने पिछले कुछ दिनों बाद उसमें भी ये बड़ी एक्टिविटी हमारे पास हुई, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें से फॉलोआउट निकला कि गांव में नंबरदार्स को प्लेटफॉर्म पे लेके, सरपंचों को प्लेटफॉर्म पे लेके कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो फेज 1, 2 और 3। इसमें भी एक मसला है कि डिक्लेयर कौन करे कि कौन है कौन नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि कुपवाड़ा में तकरीबन हम बड़े इसमें सक्सेसफुल साबित हुए, 600 से 700 बच्चे जो हमने आइडेंटिफाई किए अलग अलग पंचायतों से जो जब ड्रग की चपेट में आए हुए जी। और उनको जैसे मैंने आपको बताया 350 जो है वो उसमें से बाहर निकाले भी हमने, उनको थेरेपीज दी गई, किसी को मेडिसिन दी गई, जो एक मोडस ऑपरेंडी होता है ड्रग रिहैबिलिटेशन का, वो रिहैबिलिटेशन के तहत उनको बाहर लाया गया। तो ड्रग के खिलाफ जो जंग है वो हमारी बहुत तेज गति पे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में चालू है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ड्रग फ्री डिक्लेयर करने की कगार पे हम लोग कुपवाड़ा को आने वाले दिनों में लाके छोड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक दरबार आप करते हैं मुनक्कद वहां पर? देखिए, ब्लॉक दिवस तो एलजी साहब की बहुत डायरेक्शंस है, तो हम हर वेनसडे को ब्लॉक दिवस जो है वो लिया जाता है। इस बार भी ब्लॉक दिवस जो वेनसडे को होने वाला है उसमें मैं हयामा ब्लॉक में जाने वाला हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पब्लिक दरबार और ब्लॉक दिवस के हवाले से लोगों के बीच जाना जी। इसको हमेशा जो प्राथमिकता दी जाती है, मैं खुद लोगों के बीच जाना बड़ा पसंद करता हूँ। जब भी मौका मिले तब हम लोग जाके गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दे जनाब, कौन सा, कहाँ से? हेलो साहब, हम मैं मोहम्मद अमीन शाली भट्टा से बोल रहा हूँ जी। पूछिए पूछिए सवाल साहब। मुझे, मेरा मकान है बिल्कुल नाले के ऊपर है, ऊपर से जो भी मतलब बारिश होती है उसकी मिट्टी पहाड़ जो भी आते हैं मेरे मकान के सीधे पीछे आके उसके ऊपर लगते हैं। किस जगह पे? तो शाली भट्टा से सर। अच्छा, हयामा शाली भट्टा से सर जी। तो सर, जिनकी जान पहचान थी उन्होंने बांध लगाया अपने मकानों के आगे पीछे, रास्ते भी बनाए। मुझे आज तक किसी ने नहीं बांध दिया, नहीं किसी, बहुत सारे लोगों को बोला लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे मकान के मतलब बारिश होती है जो भी होता है, जितनी भी मिट्टी आती है तो पूरा मेरे मकान के पहाड़ आते हैं या मिट्टी आती है मेरे मकान के ऊपर आके गिरती है।
आवाज बहुत कम आ रही थी आपकी। मैं समझ गया, अमीन साहब की बात समझ गया। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डीडी कशीर के माध्यम से जो है वो उनकी बात यहाँ तक जरूर पहुँच गई है, और डिटेल्स अगर इसके मेरे ऑफिस में आके दे दे तो नरेगा के माध्यम से उनके घर के सामने जो है वो बंड जरूर लगाने का प्रयास किया जाएगा और उनको कोशिश की जाएगी उनका घर किस प्रकार से बचे। सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त आपके वहाँ चल रहे हैं? देखिए, कुपवाड़ा ज़िले में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है। तकरीबन 350 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। इसका काम जो है वो ऑलरेडी टेंडरिंग स्टेजेस पे है, और जो रेंटेड अकोमोडेशन है और जो टेम्परेरी क्लासेस लगाने का काम है वो तो ऑलरेडी काम जो है वो एंडिंग स्टेजेस पे आया हुआ है। उसी के साथ साथ जो वाइडनिंग है श्रीनगर से लेके कुपवाड़ा की थ्रू सोपोर, इसके बारे में भी जो संग्रामा से लेके सोपोर तक का सेक्शन है उसमें भी फाइनल स्टेजेस पे मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों में वो टेंडरिंग के लिए आउट हो जाएगा। इसमें जो शार्प पॉइंट्स थे उसको निकालने के लिए कुछ समय हमें लगा, कई सारे जो है इसमें कुछ घर वाल भी इन्वॉल्व थे, कुछ मिल्कियत ज़मीनें इन्वॉल्व थी, तो वो इश्यूज रिजॉल्व करते करते कुछ पिछला कुछ 2 महीने का समय हमें गया, लेकिन अब जो है वो काफ़ी बड़ी प्रगति पे वो काम जो है वाकई रुका हुआ है। उसी के साथ साथ कुपवाड़ा बाईपास का एक काम जो है वो इसी बीकन के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो इसी रोड को आगे लेते हुए त्रेघाम से लेते हुए आपके टंगधार तक ये कंटिन्यू होने वाला, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है हमारे पास चल रहा है। उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी पार्क कुपवाड़ा है, उसका भी काम जो है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है, उसका भी काम जो है वो प्रगति पथ पे है। उसी के साथ साथ काफ़ी सारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिजेस के जो है वो प्रोजेक्ट्स कुपवाड़ा में चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रीजनेबल पेस काफ़ी सारे कामों का देख रहे हैं। सर आवा कार्ड्स के बारे में कुछ कर रहे हैं, मतलब आवा हेल्थ कार्ड्स जिसके बारे में आयुष्मान के जो माध्यम से बनते हैं? बिल्कुल, ये मैं अगर कवरेज की बात करूंगा तो काफ़ी मात्रा में, देखिए ये जो मैं आपको बताता चलूँ, चाहे आभा कार्ड्स की आपने बात की या फिर जो आपके श्रमिक जो कार्ड्स हैं आपके जी, उन कार्ड्स की अगर बात करेंगे आप, या फिर आयुष्मान भारत का कवरेज तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो सैचुरेशन स्टेज पे आया हुआ है। बाकी कार्ड्स का भी क्लियर कट डायरेक्शन है कि सैचुरेशन लेवल पे हमें आके पहुंचाना है, तो ऑलमोस्ट जो मेजर हमारे जो भी ये सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उसको जो है वो सैचुरेशन लेवल तक हमने ऑलरेडी आके पहुंचाया हुआ है। श्रमिक कार्ड्स हमारी आजकल की प्रायोरिटी है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी एक सिक्योरिटी के लिए आने वाले दिनों में मास लेवल पे हम लोग जो है वो कैंप्स करने जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि हर घर नल से जल, इसका जो एक टारगेट है शायद जुलाई तक है, पूरा कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 106 स्कीमें जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल जो है वो, और इसको जो है वो 2024 तक हमें मिड तक पूरा करना है, और इसका अगर मैं बताता चलूँ तकरीबन 70% केसेस में जो काम शुरू हो चुका है, टेंडिंग स्टेजेस पे 6-7 महीने तक ही मैंने देखा कि इसमें पाइप्स ले करने का बड़ा एक और बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। और हजारों किलोमीटर की तादाद में पाइप लेकर, कोई 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, हर घर तक हमें नल पहुंचाना है। जो मेजर प्रोजेक्ट है इसके तहत कई सारे सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, कई सारे बोर वेल्स है, कई सारे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है, लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स है, तो इनका काम भी जो है वो अलग अलग प्रगति पथ पे है, और तकरीबन एवरी वीकली इसका जो है वो रिव्यू लिया जा रहा है कि किस प्रकार से कोई स्कीम आगे बढ़ी हुई है। आप जानते हैं कि इसका अवेयरनेस रिलेटेड, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द वाटर भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, सिर्फ वाटर की क्वांटिटी हमें नहीं देखना है तो क्वालिटी भी देखना है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये काफी डिलीवरिंग स्कीम साबित होगी, और जब इसके फ्रूट्स आप देखेंगे मिलना शुरू हो जाएगा तो काफी एक अच्छी मैं कहता हूं कि खुशी की लहर, जिन महिलाओं को किलोमीटर तक चलना पड़ता था पानी के लिए, आज घर बैठे जो है वो नल उनको मिला। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, कुपवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के बारे में हमसे बात हुई और लोगों ने भी अपने कुछ सुझाव दिए और अपने सवाल पूछे, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, खुदा हाफिज। नाज़रीन इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।